हेलो दोस्तों, मैं हूं साबु सिंह चौहान और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कोरल ड्रॉ की वीडियो ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहां पर जाके मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी अच्छी अच्छी चीज़ें देने वाला हूं। तो हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कलर थ्योरीज कैसे कैसे यूज होती, कलर्स क्या क्या यूज होता। हम अभी ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड्स के बारे में। तो ये सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये इसके बटन है, उसके बाद में ये यहाँ से F1 से लेके F12 तक ये फंक्शन कीज है, उसके बाद ये बैक स्पेस है, ये बैक स्पेस से हम कुछ चीज़ें डिलीट कर सकते हैं और ज़्यादातर टेक्स्ट में काम आता है। उसके बाद में ये एंटर कीज है, ये दो एंटर कीज है, तो ये एंटर कीज से हम ये कर सकते हैं। उसके बाद में ये एरो कीज है, चार जो है वो एरो कीज बोलते हैं उसको। उसके बाद में यहाँ पर ये स्पेस बार है और उसके बाद में यहाँ पर देखो ये कीबोर्ड कीज बहुत यूज़ होते हैं, पेज अप पेज डाउन डिलीट। तो ये हम आगे बहुत सारा यूज़ होता रहता है इससे कोरल ड्रॉ में, तो वो हम आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कोरल ड्रॉ में वैसा वैसा यूज़ बढ़ता जाएगा। हमें ये नंबर पैड आता है, तो ये नंबर्स पैड बहुत काम की है, इधर भी है नंबर्स वगैरह लेकिन वो यहाँ से ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद में ये माउस आ जाता है, तो माउस में देखिए दोस्तों, जो हमारा राइट हैंड साइड में है उसको हम राइट क्लिक बोलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में उसको लेफ्ट क्लिक बोलते हैं, ठीक है। जो जिस हैंड की तरफ जो क्लिक है उसको हम उसी नाम से जानते हैं। उसके बाद में ये सेंटर में स्क्रॉल लॉक बोलते हैं उसको, तो उसको रोटेशन करने से हमारा कि वो कोरेलड्रॉ में जूम आउट जूम इन होता है, ठीक है। तो जब मैं बोलता कि राइट क्लिक करना है तो आपको आपके राइट हैंड साइड का क्लिक समझ जाना चाहिए, और जब मैं लेफ्ट क्लिक बोलूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड का क्लिक करना है, और स्क्रॉल लॉक बोलूँगा तो वो सेंटर। उसके बाद में मैं कोरेलड्रॉ कुछ शॉर्टकट्स बता देता हूँ। तो कोरेलड्रॉ के शॉर्टकट्स में देखो, ये यहाँ पर बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, तो उसमें F2 से जूम टूल आ जाता है, F3 से जूम आउट होता है, और F4 से हम डॉक्यूमेंट्स के कहीं पे भी रहो, मेरा डॉक्यूमेंट्स जैसा ये यहाँ पर बहुत दूर चला गया, अब मेरे को दिख रहा भी नहीं, तो मैं सिर्फ F4 प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से तो ये मेरा वापस से मेरी स्क्रीन एकदम फ्रंट में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में F5 से ये फ्री हैंड टूल रहता, F6 से रेक्टेंगल टूल रहता, F7 से ये सर्कल टूल रहता, F8 से अपना टेक्स्ट टूल रहता, F9 से स्क्रीन फुल हो जाती है। जैसे मैं F9 प्रेस करता अभी, तो ये F9 से ये मेरा स्क्रीन फुल हो गया। अब मैं F8 करता तो ये देखो, ये मेरा यहाँ से ये टेक्स्ट टूल ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो गया। मैं F5 करता तो ये मेरा फ्री हैंड टूल सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे ये शॉर्टकट्स है, उसके बाद में ये शेप टूल होता है, ये जो यहाँ पर भी शॉर्टकट्स रहते हैं, F11 से फिल कलर्स जो रहता वो आता है, और F11 से फिल कलर्स जो अपन फिल करते कलर वो आता है, और उसके बाद में F12 से आउटलाइन आती है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, वैसे वैसा मैं आपको शॉर्टकट बताते जाऊँगा, ये बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल मैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में बता देता आपको, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अभी हम मैंने ये पेज आ गया मेरे पास, ठीक है। अभी मेरे को ये पेज, ये कोरेलड्रॉ का हैंडलिंग कैसे करना है वो मैं बता देता। तो हम देखो, माउस का मिडिल माउस जो रहता है स्क्रॉल लॉक, उसको मैं रोटेट करता था, जूम आउट जूम इन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से जूम आउट जूम इन कर सकते, नहीं तो ये यहाँ पर जूम का ये है जूम टूल है, यहाँ से हम जूम कर सकते हैं। ऐसा सिर्फ ड्रॉ करना है अपने को, और ऐसा जैसे जहाँ चाहिए वहाँ से अपन ये कर सकते हैं, और राइट क्लिक करके ड्रॉ करने से ये लॉग जूम आउट होता है, और लेफ्ट क्लिक और ड्रॉ करने से जूम इन होता है। तो ये दोस्तों याद रखना, जूम इन और जूम आउट के लिए यहाँ से भी कर सकते हो, एक यहाँ से भी अपन जूम आउट जूम इन कर सकते हो, यहाँ से जूम इन यहाँ से जूम आउट। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जूम आउट जूम इन कैसा हो रहा, अभी यहाँ से जो मैं जूम इन कर रहा था वो मेरा पेज कहीं और जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमको ज़्यादातर ऐसा ड्रॉ करके जूम आउट जूम इन करना है, तो ऐसा ड्रॉ करके करेंगे तो हमको ज़्यादा बेटर रहेगा। जो पोर्शन जूम करना है वहाँ पर सिर्फ क्लिक करना है, जैसे मेरे को ये पोर्शन जूम ज़्यादा करना है तो यहाँ से क्लिक करके जितना जूम करना है उतना ड्रॉ करना है और उसको छोड़ देना। अब जैसे मेरे को इतना पोर्शन ज़्यादा जूम करना था, मैं इतना ड्रॉ करके ये छोड़ दिया, मेरा इतना पोर्शन आ गया, मैं जूम आउट से वापस जूम आउट कर सकता हूँ, उसकी शॉर्टकट F3 मैंने बताया था। उसके बाद में ये जूम टू पेज,
इससे एकदम पेज एकदम अपने सामने आ जाता है, जूम टू पेज से, ठीक है। उसके बाद में विड्थ से जूम एकदम फिक्स आ जाएंगे, ये विड्थ से जूम एकदम फिक्स आ जाएगा, यहाँ से और यहाँ से। मेरा हाइट थोड़ा ज़्यादा पेज का तो इसलिए थोड़ा ऊपर चलेगा। अभी मेरे को हाइट से ये चाहिए तो ये हाइट से मेरा जूम इन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जूम टूल है दोस्तों, उसके बाद में उसमें सेकेंड नंबर पर है पेन टूल, उसको हम हैंड टूल भी बोलते हैं, ठीक है। हैंड टूल का क्या काम है दोस्तों, कि जैसे मेरे पेज को मूव करना है किधर भी, तो ये मेरा पेज मूव कर सकता है। मैं अब जूम आउट कर दिया, मेरे पेज को जहाँ चाहिए मैं वहाँ मूव कर सकता हैंड टूल की मदद से। जूम टूल की शॉर्टकट दोस्तों, मेरा कौन सा टूल रहने दो, मेरे को मिडल माउस जूम टूल का वर्किंग करता है। मेरे को जैसा भी चाहिए, मैं ये ड्रॉ किया जैसा, तो मेरे को जैसा जूम चाहिए वैसा मैं मिडल माउस से कर सकता हूँ। जहाँ अपना माउस रहेगा वहाँ पर वो जूम हो जाएंगे। देखो जैसे मेरा माउस यहाँ पर, तो यहाँ से जूम होगा। मैं जहाँ आउट करता यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर गया तो यहाँ से जूम होगा। अभी मैं मेरा माउस यहाँ पर है, मैं यहाँ पर जूम करूँगा तो वो वहाँ पर जूम हो जाएंगे, ठीक है। मेरा पेज किधर तो साइड में चला गया है, तो अब मेरे को पेज को वापस सामने लेके आना है, तो मेरे को सिर्फ F4 करना है। यदि मैं F4 कर दिया तो ये मेरा जो भी उस पे पेज पे ऑब्जेक्ट रहेगा वो मेरे एकदम सामने जूम हो जाएगा, ठीक है। यदि दोस्तों पेज पे कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं रहा और फिर मैं F4 करूंगा तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ ऑब्जेक्ट रहा तो ही जूम अपने फ्रंट में आता है, ठीक है। तो यदि मेरे को कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा मेरे पेज पे तो ही वो मेरे सामने आएगा। अभी मैंने ऑब्जेक्ट डाल दिया, ठीक है। अभी मैं F4 करूंगा तो ये मेरे सामने आ गया, ठीक है। मैं ये डिलीट कर देता, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया जूम करना, हैंडलिंग करने के लिए। आपको ये मेरी ट्यूटोरियल अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।